हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में हम आगे की एम्ब्रॉयडरी डिस्कस करेंगे जो कि है एम्ब्रॉयडरी ऑफ गुजरात। पिछली वीडियोज़ में हमने कांथा ऑफ बंगाल एंड कशीदा ऑफ बिहार के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम एम्ब्रॉयडरी ऑफ गुजरात के बारे में जानेंगे। अगर आप होम साइंस का मैटर लेना चाहते हैं या वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूजीसी नेट टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग से, तो आप जा कर के वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उसमें आपको लाइन वाइज सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी और टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगी। तो चलिए एम्ब्रॉयडरी ऑफ गुजरात देखते हैं। गुजरात जो स्टेट है वो सिचुएटेड है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। कहाँ पे गुजरात सिचुएटेड है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। और ये अपनी एम्ब्रॉयडरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और किस एम्ब्रॉयडरी के लिए जाना जाता है? ये एम्ब्रॉयडरी ऑफ कच्छ एंड काठियावाड़। जो पीजेंट हैं वहाँ के, मतलब जो फार्मर्स हो गए, ट्राइबल लोग हो गए, लेडीज़ हो गई, अलग अलग कम्युनिटी की, वो उस विलेज में एक साथ काम करते हैं। उन्होंने इस ट्रेडिशन को मेंटेन करके रखा हुआ है, इस कल्चर को मेंटेन करके रखा हुआ है और इस रिच हेरिटेज को मेंटेन करके रखा हुआ है अलग अलग स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरीज के द्वारा। दैट इज़ इट कैन बी सेड हेयर दैट ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन जो इंडियन एम्ब्रॉयडरी को दिया है वो गुजरात स्टेट ने ही दिया है, प्रिसाइजली कच्छ एंड काठियावाड़ के द्वारा। However, जो ब्यूटी है इस एम्ब्रॉयडरी की वो रिच डिज़ाइंस में लाए करती है, मतलब रहती है, वेराइटी ऑफ मोटिव्स में दिखती है और स्टिचेस में दिखती है। जो विलेज वुमेन हैं ड्यूरिंग देयर लीजियर टाइम, मतलब जब इन वुमेन्स का फ्री टाइम होता है हार्वेस्टिंग के बाद, तो ये क्या करते हैं, ये इस निडल क्राफ्ट में अपने आप को एंगेज कर लेते हैं और ब्यूटिफुली एम्ब्रॉयडर्ड कॉस्ट्यूम्स ये बनाते हैं अपने डॉटर्स के लिए हर साल। और बाय द एंड ऑफ अ डिकेड, एक डिकेड के एंड के टाइम पे प्रोबेबली जो मदर्स होती हैं वो अपने मतलब डॉटर के लिए, ब्राइड के लिए या दुल्हन के लिए डजन ऑफ ड्रेसेस जो हैं, कॉस्ट्यूम्स जो हैं, वो बना लेती हैं उनके वेडिंग के टाइम से पहले डॉरी के रूप में उन्हें देने के लिए। उसके बाद देखते हैं कि ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी खाती लोगों के द्वारा, जिनको कैटल ब्रीडर्स भी कहते हैं, जो बेसिकली वॉन्डरर्स होते हैं। एंड वो करण के द्वारा लाए गए थे, जो फेमस वॉरियर थे महाभारत के। और ये जो वॉन्डरर्स हैं ये क्या करते हैं, इनको कलेक्ट किया गया था, इनको इकट्ठा किया गया था प्लेस में, और ये वैरायटी ऑफ जो है डिज़ाइंस हैं उनको कंट्रीब्यूट करते हैं, वैरायटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स को, पैटर्न्स को, डिज़ाइंस, थीम्स, मूड्स एंड टेक्निक्स ऑफ निडल वर्क को ये कंट्रीब्यूट करते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन है, जो एक बाद में एक इंटीग्रल पार्ट बन गया एम्ब्रॉयडरी ऑफ गुजरात का। और ये वॉन्डरर्स जो हैं ये पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं शिव जी जी की, शिवा की, गणेश जी की, गणेश की, एंड ये यूज़ टू एम्ब्रॉयडर करते हैं ये आइडियल्स को भी, छोटे छोटे स्क्वायर्स के अंदर, जिसको सतपनास कहते हैं या सथापनास कहते हैं। लीजेंड ने एक्सप्लेन किया है कि एक नोटोरियस डिमोन हैड एन स्लेव थाउजेंड्स ऑफ वुमेन इन अ फॉरेस्ट। एक क्या था, एक बदमाश कोई डिमोन था, या फिर हम कह सकते हैं कोई राक्षस था, जिसने क्या किया था, वुमेन्स को फॉरेस्ट में बंदी बना करके रख लिया था। और उस डिमोन को, उस राक्षस को लॉर्ड कृष्णा ने मारा था और उन वुमेन्स को फ्री किया था। लेटर जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ये जो वुमेन्स थी ये गोपिका बन गई, गोपियाँ बन गई और प्लेमेट्स बन गई, मतलब सहेलियाँ बन गई, जिनको द्वारका लाया गया था कृष्ण जी के द्वारा। और ये जो वुमेन्स थी ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री से थी और इनमें बहुत ही भरपूर टैलेंट था, एक या दूसरी क्राफ्ट में ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, जैसे स्टिचरी में या फिर किसी क्राफ्ट में, एम्ब्रॉयडरी में। इनका अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन रहा है
नोबल्ड इन टू अ न्यू फॉर्म ऑफ सौरस्त्रा, या फिर सौरस्त्रा बोलते हैं इसको। उसके बाद में बात करते हैं जो एम्ब्रॉयडरी आर्टिकल्स हैं गुजरात से, वो वर्ल्ड फेमस हैं और वो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं और किए जाते थे। 16th and 17th century से ये काम चलता हुआ आ रहा है। उस टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा फेमस थी एम्ब्रॉयडरी। और ये किसने कहा है, ये कहा है J.M. नानावाटी ने। हाउ एवर देयर एग्जिस्ट डिफरेंस हैं, जो कच्छ और काठियावाड़ की एम्ब्रॉयडरी है उनमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, ठीक है। बिल्कुल ये एम्ब्रॉयडरी सिमिलर नहीं है। अब कच्छ एम्ब्रॉयडरी के बारे में देखते हैं। ये बिलीव किया गया है कि जो कच्छ एम्ब्रॉयडरी है वो सबसे पहले मोचीज़ को सिखाई गई थी, जिनको शू मेकर कहते हैं। 300 साल पहले मुस्लिम फ़कीर ऑफ सिंध ने मोचीज़ को, शू मेकर्स को, ये एम्ब्रॉयडरी सिखाई थी। हाउ एवर जो कच्छ एम्ब्रॉयडरी है उसका फाउंडेशन है अलग अलग क्लैंस में, जैसे अहीर्स भी करते हैं ये एम्ब्रॉयडरी, कनबीज, मोचीज, रबरीज, ये सारी जातियाँ प्रजातियाँ जो हैं ये कच्छ एम्ब्रॉयडरी करती हैं। अब हम हर एक एम्ब्रॉयडरी को डिटेल में देखते हैं। अब जैसे जो अहीर्स करते हैं, अहीर्स भारत बोलते हैं इनको, ये क्या करते हैं, जो प्रिमिटिव पीजेंट थे सौरास्त्रा के उनको रीजनली अहीर कहा जाता है, जो एक्सपर्ट होते हैं मोची या कॉबलर वर्क में भारत में, ठीक है। यूजुअली ये प्रिपेयर करते हैं डेकोरेटिव आर्टिकल, सरफेस एनरिचमेंट ऑफ देयर अटायर्स, और ये टोटली एक होमक्राफ्ट है, वो अपने घर के लिए करते हैं। कभी उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया कमर्शियल ट्रेड में लाने के लिए। बट जो लेडीज़ हैं अहीर फैमिलीज़ की, वो क्या करती हैं, अपनी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स को ऑफ सीजन के टाइम पे एम्ब्रॉयडर्ड करती हैं, बनाती हैं। अहीर जो है वो एक हुक्ड निडल है, और जिसकी मदद से एम्ब्रॉयडरी की जाती है। एग्जैक्टली एम्ब्रॉयडरी चेन स्टिच जैसी लगती है। जो एम्ब्रॉयडरी है वो सिर्फ और सिर्फ स्किलफुल ही नहीं है स्टिचरी में, बट टैलेंटेड भी है डिज़ाइंस को डेवलप करने में, पैटर्न्स को प्रिपेयर करने में, ड्राइंग में, ट्रेसिंग में, सेम ऑन फैब्रिक, ठीक है। और अहीर जो है फ्रॉम सूरत एंड गोनागढ़ एरिया से बहुत ज़्यादा लाइक आर वेल इन्फॉर्म्ड हैं वो। कंथ स्कूल एम्ब्रॉयडरी के बारे में उन्हें पता है, जो कि हु एग्जिबिट इंटेलिजेंट सिलेक्शन वो करते हैं इन कलर एप्लीकेशन ऑफ मिरर्स में, अलॉन्ग विद स्प्लेंडर निडल वर्क। कमला डोंगरकरी ने एक्सप्रेस किया है कि जो अहीर्स हैं वो पेस्टोरल ट्राइब हैं, जो बिलीव करती हैं टू हैव माइग्रेट की हैं। ये जो ट्राइब्स हैं ये माइग्रेटेड हैं मथुरा से, लॉर्ड कृष्णा के साथ ये आई थी गिरहर तक इन काठियावाड़, और बाद में ये कच्छ में सेटल हो गए थे। तो जो वर्ड अहीर है वो अब हीरा से डिराइव हुआ है, जो कि एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है मिल्कमैन। और जो बेस मटेरियल यहाँ पे यूज़ होता है वो हैंडस्पन या हैंड वूवन ही होता है। क्वार्ट्ज खद्दर यूज़ होता है, जिस पे सीरीज ऑफ लूप्स जो हैं लीडिंग टू चेन स्टिचिंग होती है। अरही अलोंग विद अबंडेंट एप्लीकेशन ऑफ मिरर, यहाँ पे बहुत सारे मिरर वर्क भी आपको मिल जाएगा। एट प्रेजेंट जो एम्ब्रॉयडरी है वो सिल्क के कपड़े पे भी की जाती है, और द लोकली मैन्युफैक्चर्ड सैटन फैब्रिक पे भी की जाती है, गज्जी सिल्क पे या फिर सिल्की सैटन फैब्रिक एंड अटलश पे भी की जाती है। अब जो ये हैंडवर्क है वो सबसे पहले कलरफुल कॉटन थ्रेड द्वारा किया गया था, डार्क कलर्ड खद्दर पे ओल्डन डेज में। बट अब क्या है, अब ये सिल्की अनट्विस्टेड फ्लॉस हीर या फिर ट्विस्टेड सिल्कन थ्रेड द्वारा भी किया जाता है, चोली पे, पजामास पे, जैकेट्स पे, बोनेट्स पे, कैप्स एंड दूसरे चिल्ड्रन के गारमेंट्स पे। जो क्राफ्ट्समैन है लेटर उन्होंने इंट्रोड्यूस किए बहुत सारे कलर स्कीम्स को बेसिक चेन स्टिच में, एक स्टेम डिनोट करने के लिए, वेन डिनोट करने के लिए एंड दूसरे सप्लर पार्ट्स ऑफ मोटिव को डिनोट करने के लिए, जो कि एक चीफ करेक्टरिस्टिक है इस एम्ब्रॉयडरी का। बर्ड्स, फ्लावर्स, क्रीपर्स, फोलिएजेस, ये सम ऑफ द मोटिव्स हैं, और इसमें से पैरट्स, पीकॉक, बुलबुल, ह्यूमन फिगर, डांसिंग डॉल, करन फूल एंड फ्लावर शेप्ड इयररिंग, ये भी मेन मोटिव्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कन्वी भरत।
कनबीज जो हैं वो भी जो कच्छ एम्ब्रॉयडरी है वो करते हैं। कनबीज बेसिकली कल्टीवेटर्स हैं जो सौरास्ट्र से ही माइग्रेट होकर के आए थे। ये जो वुमेन की कम्युनिटी है ये अपने आप को ब्यूटीफुल आर्ट ऑफ भरत में एंगेज करके रखती है और ये अपने पेटेंट वर्क के लिए जानी जाती है। ये 100% होम स्केल आर्ट ही है जहाँ पे जो कनबी वुमेन होती हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स में इकट्ठी होती हैं और अपना वर्क कंटिन्यू करती हैं, हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाती हैं। और जो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड होता है वो कॉटन का होता है, वो येलो ऑरेंज ग्रीन वाइट पर्पल कलर का हो सकता है। और बेसिक स्टिचेस जो यहाँ पे एम्प्लॉय किए जाते हैं वो है डार्निंग फॉर आउटलाइन करने के लिए और हेरिंग बोन स्टिच यूज़ करते हैं फिलिंग करने के लिए। जो डिज़ाइंस होते हैं कनबी भरत में वो काफ़ी अलग अलग होते हैं क्योंकि इसमें क्या है ना, पर्शियन आर्ट का इन्फ्लुएंस भी है। दे यूज़ अ सिमिलर मोटिव्स एज अदर्स, वो सिमिलर मोटिव्स ही यूज़ करते हैं जैसे बाकी सब करते हैं, बट जो स्पेसिफिक वन है यहाँ पे वो है सनफ्लावर, केवाड़ा एंड द कैक्टस फ्लावर। कनबी फोक जो है वो रिलीजियस है, ऑर्थोडॉक्स है और वो वर्शिपिंग में बिलीव करता है डोमेस्टिक एनिमल्स की, जैसे कि बुलॉक्स एंड जो सेकेंड लंग है ऑफ द कल्टिवेटर्स। ठीक है, एज अ टोकन ऑफ लव एंड अफेक्शन जो कनबी वुमेन है वो बहुत सारे ब्यूटीफुल आर्टिकल्स को प्रिपेयर करते हैं अपने डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, उनको डेकोरेट करने के लिए फेस्टिवल के टाइम्स पे एंड वाइल टेकिंग द प्रोसेशन के टाइम पे। एंड जो आर्टिकल्स हैं मोर फ्रीक्वेंटली ये प्रिपेयर होते हैं रेक्टेंगुलर कवर स्प्रेड के लिए जो बुलेक के बैक पे लगाया जाता है, या कॉनिकल कवर्स हो गए, अट्रैक्टिवली जो हैं प्रिपेयर किए जाते हैं। टैसल्स टू कवर द हॉर्न्स को भी कवर करने के लिए इनको बनाया जाता है। गॉर्जियसली एम्ब्रॉयडर्ड वेल्स टू कवर द फोरहेड फेस एंड मजल। अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स जैसे कि कवर्स, वुडन बॉक्स के लिए, पटारास के लिए, ब्लैंकेट्स, क्विल्स ऑन विच इन पे भी एलेबोरेट एम्ब्रॉयडरी की जाती है, पैरेट्स, पीकॉक्स, वेरियस शेप्स ऑफ फॉलीएजेस की, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, टेंडर ट्विंग्स ऑफ मैंगो कॉमनली ऑब्जर्व आपको देखने को मिल जाएंगे मोटिव्स। हाउ एवर इन भावनगर एंड सौराष्ट्र जो लेवा कनबी है उन्होंने इस क्राफ्ट को टेकअप किया है। प्री डोमिनेंट वाइट चेन स्टिच वो यूज़ करते हैं फिलिंग के लिए और रनिंग स्टिच यूज़ करते हैं आउटलाइनिंग के लिए। अब बात करते हैं मोची भरत की। मोची कम्युनिटी है जो आर्टिसन को बिलोंग करती है, कॉबलर या शू मेकर को बिलोंग करती है, जो कि यूनिक टेक्निक यूज़ करके चप्पल्स और शूज़ को प्रिपेयर करते हैं जो मोचीज़ होते हैं, जिनके बेसिक स्टिच जो हैं उन्होंने एक पॉपुलर कच्छी भरत में एंट्री ली है, उन्होंने एंटर किया है। ये जो क्राफ्ट है ये पैट्रनाइज्ड है लोकल रूलर्स के द्वारा एंड क्राफ्ट्समैन के द्वारा जो एंगेज होते हैं मोची वर्क में परमानेंटली। और ये सिमिलर है अरही भरत के, जहाँ पे जो थ्रेड है उसको पुल किया जाता है बॉटम टू द टॉप तक विद द हेल्प ऑफ अरही, जो कि हमने निडल की बात की थी, हुक्ड निडल की। और ये लूप्स क्रिएट किए जाते हैं, सक्सेसिव रिपीटेशन जो है वो एक कॉन्टिन्यूस लाइन ऑफ चेन स्टिच को लीड करता है। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने एक्सप्लेन किया है कि गारमेंट्स पे मोस्ट जो कॉमन यहाँ पे होती हैं बुटीज, जिनको पोल्का डॉट्स कहते हैं, राउंडिंग ऑफ विद बिग साइज इज नोन एज, उसको हम नदीर शाह बुटी भी कहते हैं। और लार्ज सरफेस एरियाज जैसे कि हाउस होल्ड टेक्सटाइल्स, मैनी हाईली स्टाइलाइज फ्लावर्स, बुशेज, डांसिंग डॉल, पीकॉक, ह्यूमन फिगर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मोची भरत दो अपीयर सिंपल लगता है, नीड्स थोरो कंटिन्यूस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए। ये एक एलैबोरेट एम्ब्रॉयडरी है जो यूजुअली इनकॉर्पोरेटेड होती है फिलिंग वर्क के लिए, थस ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसको करने में टाइम लगता है। जो ग्राउंड फैब्रिक जो है वो सैटन में होता है और आर्टिकल्स यहाँ पे एम्ब्रॉयडर जो किए जाते हैं वो हैं चोली, घाघरा, तोरण, डोर डेकोरेशन जो जिसको बोलते हैं, चकला, स्क्वायर वॉल हैंगिंग्स जिसको बोलते हैं, बॉर्डर्स एंड सो ऑन। अब बात करते हैं रबरी वर्क की। रबरीज जो हैं वो एक ट्राइब ऑफ गिरी रीजन को बिलोंग करते हैं।
यूजुअली ये एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट होते रहते हैं. इनका जो स्टाइल और टेक्निक है एम्ब्रॉयडरी की वो एंटायरली डिफरेंट है दूसरे कम्युनिटीज़ से. इनकी जो एम्ब्रॉयडरी है रिलेटिवली ये इफ़ेक्टिव है, इम्प्रेसिव है, अट्रैक्टिव है और यूजुअली हैंड स्पन, हैंड वूवन, खद्दर और खादी मटेरियल ऑफ मेहरून कलर पे की जाती है. जो कलर्स यहाँ पे यूज़ होते हैं वो सप्टल होते हैं, थस एसेंचुएट द स्टिचरी एंड रबरीज जो हैं वो छोटे छोटे पीसेज ऑफ क्लोथ्स वो अलग अलग साइज के शेप के यूज़ करते हैं बोल्ड इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए अगेंस्ट अ प्लेन बैकग्राउंड. ये जो क्राफ्ट है इसका कोई डेफिनेट डिज़ाइन नहीं है, ये अपीयर होता है समवट एक एप्लीक वर्क के रूप में ही अपीयर होता है. कनोपीज, डोर कर्टेन, पार्टीशंस, वॉल डेकोरेशंस एंड दूसरे हाउस होल्ड आर्टिकल्स भी इस एम्ब्रॉयडरी से प्रिपेयर किए जाते हैं. हाउएवर ये जो क्राफ्ट है वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड टू डेकोरेट द मेन ड्रेसेस को ये डेकोरेट करने के लिए नहीं यूज़ होती हैं या मेन कॉस्ट्यूम्स को ये डेकोरेट करने के लिए नहीं यूज़ होती हैं क्योंकि ये थोड़े बोल्ड और इलेबोरेट इफेक्ट देते हैं, इनके अंदर डेलिकेसी की कमी होती है. थस ये एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ होते हैं बॉर्डर्स को और ये बॉर्डर्स जो हैं कंप्लीट होते हैं डबल क्रॉस स्टिच के द्वारा और जो ये मोटर्स हैं ये कंप्राइज करते हैं ब्यूटीफुल बर्ड्स, बीस, फ्लोरा, फोना एंड ह्यूमन फिगर्स एंड सो ऑन को. सो जो एप्लीक है कतब वर्क की वो एग्जिस्ट करती है कच्छ एंड सौराष्ट्रा में जहाँ पे खातीज और जो महाजन्स हैं अलॉन्ग विथ रबरीज उन्होंने इस हैंडीक्राफ्ट को लिया हुआ है. ये यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस जो बोल्ड एंड ब्राइट कलर्ड फैब्रिक पीसेस ऑफ बांधनी, पटोला, ब्रोकेड, सैटिन एंड प्रिंटेड कॉटन्स, महाजन्स एंड यूज़ करते हैं ये वाइट बैकग्राउंड को फॉर एक्सेप्शन. मोर एलेबोरेट एप्लीक वर्क इंक्लूड करता है एनिमल, ह्यूमन, बर्ड, फ्लोरल, लैंडस्केप को जो कटिंग एंड स्टिचिंग द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं एक डेफिनाइट ऑल ओवर डिज़ाइन देने के लिए, एक इम्प्रेशन देने के लिए गार्डन का, वाटरफॉल्स, वैलीज का, रेनफॉल का एंड सो ऑन. ये जो मोटिव्स हैं ये एक्सप्रेस करते हैं लाइफ को, चेयरफुलनेस को, एक्शन मूवमेंट को जैसे कि हॉर्स गैलोपिंग, लायन रोरिंग को एंड स्प्रिंगिंग, डॉग स्लीपिंग, डियर होपिंग एक्सेट्रा एंड कुछ कंपोजिट एनिमल्स जैसे कि गजसीमा हाफ एलिमेंट एंड हाफ लॉयन जिसको बोलते हैं एंड किनारा हाफ ह्यूमन बींग एंड हाफ हॉर्स, मिनावाजी हाफ फिश एंड हाफ एलिफेंट, एक गोल्डन स्वैन विद टू हेड्स वन ईच लुकिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड देख रहे हैं कि सारी सिम्हा द किंग ऑफ द 32 काइंड्स ऑफ सिम्हास हैज लॉन्ग हेयर, हम्प होता है एट द बैक, बॉडी हॉर्स जैसी होती है विद लॉन्ग टेल, अ लॉन्ग टेल एंड सन मून आर बींग वर्शिप एंड यूज एज मोटिव के रूप में ये यूज़ किए जाते हैं इनके आर्ट में. मून सिम्बोलाइज करता है रैबिट को जो नरेट करता है स्टोरी फ्रॉम जटाका टेल्स एंड ये जो एम्ब्रॉयड्री पीसेज हैं ये सोल्ड भी किए जाते हैं फ्यू सिटीज़ में ऑफ विच मोस्ट ऑफ देम यूज़ किए जाते हैं डेकोरेटिव हाउस होल्ड आर्टिकल्स के रूप में जैसे चकलास, तोरंस, भितिया, वॉल हैंगिंग जिसको बोलते हैं चंद्रवास, रेक्टेंगुलर वॉल हैंगिंग, कुशन कवर फॉर दीवान्स एंड बॉल्स्टर. अब हमारी आती है काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी. जो काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो ही ऑलरेडी इतनी लंबी हो गई है. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा.